नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है, महिंद्रा कंपनी का बोलेरो पिकअप है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम इसका रियर जो पहिया है उसका बैरिंग फिटिंग करने जा रहे हैं, और जो उसका वालसील होता है दोस्तों, इनर आउटर दोनों को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका जो हब है उसे हम खोल के बाहर निकाले हुए हैं। इसके अंदर बैरिंग को जो कालर है उसे फिटिंग करेंगे, और रियर साइड में यहाँ पर वालसील आउटर जो है उसे फिटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो इसका आलसील है पहले यहाँ हब में हम फिटिंग कर लेते हैं, और फिर दोस्तों बैरिंग को कैसे फिटिंग करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप आज को आप सभी को जानकारी हम देंगे इसमें। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, और चलिए आप सभी को हम बताते हैं कि कैसे इसे फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आलसील है, आउटर वालसील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा कंपनी का है, इसे हम चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले जो आउटर वालसील है इसे हम बैठा लेते हैं, वालसील को हम बैठा लिए हैं। अब इसमें हम बैठाने जा रहे हैं बैरिंग का जो कॉलर है उसको फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हम NBC कंपनी का बैरिंग लेके आए हुए हैं, और बैरिंग का जो नंबर है वो भी आपको दिखा देते हैं। बैरिंग का नंबर यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, 32209 इसका बैरिंग का नंबर है, यही पिछला चक्का में रियर चक्का में यही लगता है। तो हब के अंदर जो कॉलर है बैरिंग का उसे भी हम बैठा लिए हैं, यहाँ पे जो रियर आउटर वालसील है उसे भी बैठा लिए हैं। अब दोस्तों इससे आगे का जो प्रोसेसेस है, पहले हम इसे प्लेट के अंदर फिटिंग कर लेते हैं। बैरिंग के अंदर हम पहले ग्रीस भरेंगे, ग्रीस भरने के बाद हब के अंदर कैसे इसे फिटिंग किया जाता है उसके बाद चलिए पहले ग्रीस को भर लेते हैं, फिर इसमें फिटिंग करते समय आप सभी को दिखाएँगे। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं बैरिंग के अंदर हम ग्रीस को भर लिए हैं, अब इससे बैठा रहे हैं, यहाँ भी एक्सल के अंदर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो बैरिंग को हम एक्सल के अंदर बैठा लिए हैं, अब उसके बाद जो है यहाँ पे एक वाशर को हम बैठा लेंगे। वाशर बैठाने के बाद फिर इसका जो लॉक होता है दोस्तों, पतरी लॉक होता है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे चकनेट जो है इसमें राइट और लेफ्ट दोनों होता है। तो ये राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का जो हम लोग खोले हुए हैं, तो इसका जो चकनेट है वो सीधा टाइट होगा। इसमें दोस्तों ये होता है कि आप लेफ्ट साइड को खोलिएगा तो राइट साइड में टाइट होगा, और राइट साइड का खोलिएगा तो लेफ्ट साइड में टाइट होगा, उल्टा चूड़ी होता है इसमें, उल्टा सीधा दोनों होता है। तो ये अभी हम लेफ्ट साइड को खोले हुए हैं तो सीधा चूड़ी जो इसमें टाइट कर रहे हैं। अब चलिए पहले इसे टाइट करते हैं। तो चकनेट को टाइट करने के बाद जो है लॉक को हम जैसे ही बैठाएंगे तो इसका जो लॉक होता है इसका ग्रिप में हम एक लॉक को सेंटर करके और बैठा देते हैं, ताकि चकनेट खुलने का संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगा। इसे हम बैठा देते हैं इसमें, अब जो है बिल्कुल लॉक हो चुका है, बाकी लॉक जो है इसको बारी बारी से बैठा देंगे हम करके। और लॉक जो है इसको हम बैठा दिए हैं, अब यहाँ पर जो है अंदर वाला जो वालसील है इनर का उसे हम बैठाने जा रहे हैं इसमें। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे बैठाया जाता है डिफेंसल के अंदर इनर वाले वालसील को। तो दोस्तों जब भी हम वालसील को बैठाएंगे तो यहाँ पे जो लोहे का ग्रिप दिख रहा है, ये लोहे वाला अंदर हमें अंदर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर जो वालसील है उसे हम बैठा लिए हैं, और बिल्कुल जो है परफेक्ट बैठ गया है। और उसके बाद इसमें हम ग्रीस को लगा देंगे। ग्रीस लगाने के बाद अब यहाँ हब के अंदर ग्रीस को हम लगा लिए हैं, अब जो है एक्सल को यहाँ पे फिट करके रखे हुए हैं, अब इसके अंदर हम इसमें फिटिंग करेंगे। तो इस पर पहले थोड़ा सा बोंड लगा लेंगे, ताकि थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी वानी नहीं भरेगा या ग्रीस वरीस भी लीकेज नहीं करेगा। तो इसके ऊपर हल्का बोंड लगा के और एक्सल को फिटिंग करेंगे हम। यहाँ पर जो है एक्सल को हम बिल्कुल ड्रम के अंदर फाइनली कर लिए हैं, और एक्सल यहाँ पे घुमा के भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। अब दोस्तों इससे आगे का जो प्रोसेसेस है वो हम लेदर को फिटिंग करेंगे। यहाँ पर जो है लेदर भी हम चेंज कर लिए हैं, तो लेदर को चेंज करके फिर जो है ड्रम को फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों
एक्सल को कैसे फिटिंग करना है, वाल सील कैसे फिटिंग करना है, वो चीज़ मैं आप सभी को दिखाई दिया हूँ। दोस्तों वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।